दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज के स्वतंत्रता के महोत्सव में हमारे महाविद्यालय मानिकीलाल वर्मा वस्त्र एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय की तरफ से मैं श्रेया बापना यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथियों और सभी देशभक्तों का अभिवादन और स्वागत करती हूँ। आज हम 136 करोड़ से ज़्यादा भारतीय मिलकर अपना 72वां गणतंत्र मना रहे हैं। चकित कर देने वाले विभिन्नताएं भूगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेकता में एकता का नारा प्रखर करता हमारा भारत गणराज्य दुनिया के आबादी के 17% जनसमूह को आसरा देता है। अब वक्त हो चला है कि हम तिरंगे की तीन रंगों की अलौकिक आभा से इस प्रांगण को सरोबार कर दे। मैं ध्वजारोहण के लिए हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और ध्वजारोहण की पुनित परंपरा को संपन्न करें। हमारे संस्था के खेलकूद प्रभारी एक कन्नी राजा सर से निवेदन करती हूँ कि वे ध्वजारोहण के लिए सहयोग प्रदान करें। और भी ज्यादा ऊंचा लहरा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय की दो छात्राएं सुमन और महिमा, जो आकर हम सभी को फौजी और शहीद के जीवन के पहलुओं का ज्ञान डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता के पाठ से समझाएं। जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, है नमन उनको जिनके तेज से हारा दिवाकर, काल को दुख जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद। छब्बीस जनवरी यानी आज ही के दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इस संविधान को लागू करने के लिए, इस देश को, हमारे भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए कई वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे ही एक शहीद देशभक्त भगत सिंह की मंच पर प्रस्तुति देने के लिए मैं दिव्यांश शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ। उठा सकते थे घर पे रह कर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुक सत उन्हें इतना भी ना कह कर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुक से बह कर, उसी को तिफ्र समझ लेना जी बहलाने को,
हमने जब आदि गुरबत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। मेरा नाम भगत सिंह, मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब प्रांत के बंगा गांव में हुआ था। मेरी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। वो स्वयं ही एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आज मैं आप सभी के सामने मेरे जीवन की कुछ घटनाएं बताने आया हूँ। एक बार बचपन में मेरे चाचा जी मुझे हमारे खेत पर लेकर गए। मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा। मैंने चाचा जी से पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, भगत सिंह, ये लोग यहाँ बीज बो रहे हैं जिससे हमें हमारी धरती माँ खाने के लिए अन्न देगी। तो मैंने उन्हें कहा, चाचा जी, इन सभी से कह दीजिए कि ये बीजों के साथ बंदूकें भी बो दे, क्योंकि हमें आज़ादी के लिए, इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बंदूकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तब चाचा जी ने कहा, भगत सिंह, आज मुझे यकीन हो गया कि इस देश की आज़ादी में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। अहिंसात्मक आज़ादी हम सब भी चाहते थे, परंतु जब एक शांतिपूर्ण विरोध में हमारे पिता समान तुल्य श्री लाला लाजपत राय जी की लाठियों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, तब हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसात्मक तरीका अपनाना पड़ा। उसके पश्चात हमने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या कर दी और वेश बदलकर घूमने फिरने लगे। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित कराना चाहती थी, लेकिन यह हमें मंजूर नहीं था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटना और इस पर शासन करना था। इसीलिए हमने संसद में खाली स्थान देखकर बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरी संसद को गूंजा दिया। हमने स्वयं ही खुद की गिरफ्तारी दे दी। उसके पश्चात हमें जेल भेज दिया गया। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा भगत हूँ जो जेल में भी आजाद है। जेल में हमारे खिलाफ भेदभाव और अन्याय को देखते हुए हमने 116 दिन की भूख हड़ताल करी। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए हमें अंग्रेजी सरकार ने कई यातनाएं दी। हमें कोड़े लगाए गए, बर्फ की सिल्लियों पर लेटाकर जख्मों पर नमक लगाया जाता था। हमारी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए हमारे पानी के मटकों में दूध भर दिया जाता था। एक बार तो जेलर साहब खुद मुझे समझाने आए कि भगत सिंह, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, ब्रिटिश सरकार तुम्हारी हर बात मानेगी। मैंने भी कह दिया, आप हमारे देश को आजाद कर दीजिए। वे इस बात पर भड़क उठे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा कारागृह गूंज उठा। 24 मार्च 1931 को आखिरकार हमारे फांसी का फरमान आया। हम सभी को जनता में आंदोलन ना बढ़ के और कोई उग्र आंदोलन ना हो, इसीलिए हमें 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु के साथ हमें फांसी दे दी गई। लहू का हर एक कतरा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद मरने वालों का इस देश पर सैलाब आएगा। मेरे बाद मरने वालों का इस देश पर सैलाब आएगा। जय हिंद।
धन्यवाद भाविका और रूमी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। मैं भावेश दाजी माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज तृतीय वर्ष टेक्सटाइल केमिस्ट्री का छात्र आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है माँ तुझे रोना नहीं है। कि किस तरह से एक जवान को अपने देश के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी प्रेम होता है उसी पर कुछ पंक्तियां जरा सा ध्यान से सुनिएगा। कि सीमा पर जो एक जवान शहीद हो गया संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसकी जब घर पे आ गई सीहर उठी हवा उदासी सी छा गई, तिरंगे में रखा जो खत उसकी माँ को दिख गया मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। कि बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, कि बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि तुझे रोना नहीं है। मुझे याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, खेतों की पगडंडियों पर तेज भागता, सुनने को कहानी रात भर जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया है, सोचा था तूने कुछ और हो गया है। मुझसा कोई खिलौना तेरे घर में नहीं है, मुझसा कोई खिलौना तेरे घर में नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि तुझे रोना नहीं है। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, सोचा था तूने कि अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों में झूला झुलाएगी, तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में कलिया तू चुन न सकी माँ, न रंगोली बनी घर में न घोड़े पर मैं चढ़ा, न रंगोली बनी घर में न घोड़े पर मैं चढ़ा, पतंग पर सवार होकर यमलोक को चला, वहां तेरे आंचल का बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि तुझे रोना नहीं है। बहना से कहना कि राखी पर याद ना करे, बहना से कहना कि राखी पर याद ना करे, किस्मत को ना कोसे कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना भाई बनकर इस बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि तुझे रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि तुझे रोना नहीं। धन्यवाद। छिड़ी
नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूं। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर एक संकल्प सजाना है, मानवता सबसे पहले आपस का भेद मिटाना है। देश की खातिर मरने वाले ऐसे वीर जांबाज हुए, जो उम्र थी खेलने खाने की उस उम्र में वे कुर्बान हुए। शहादत पर बेशक मत बोलो, शहादत पर बेशक मत बोलो, शहादत का कर्ज चुकाना है, मानवता सबसे पहले आपस का भेद मिटाना है। प्राणों के बदले मिली आज़ादी, कीमत देने का साहस हो, हृदय में रहे बस देश प्रेम जब उनकी याद की आहट हो। सपना था उनका अमन चैन, अब हमको फर्ज निभाना है, मानवता सबसे पहले आपस का भेद मिटाना है। पराधीनता से मुक्त हुए दिल में जुनून ये भारी था, कानून नहीं कोई विधि नहीं, संघर्ष अभी भी जारी था, ऐसे में संविधान लिखा, उपकार ये नहीं भुलाना है, मानवता सबसे पहले आपस का भेद मिटाना है। संविधान को लिखने वालों ने बस सपना एक सजोया था, यह विधि व्यवस्था बनी रहे मुश्किल से जिसको पाया था। विधि व्यवस्था अमन चैन श्रद्धा का फूल चढ़ाना है, मानवता सबसे पहले आपस का भेद मिटाना है। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपने जो भावों के माध्यम से हमें मानवता के प्रति प्रेरित किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसी के उपरांत में हम सभी आज स्वयं की सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसके लिए मैं यश बाल्दी को शपथ दिलाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
सभी से निवेदन है कि खड़े हो जाएं और शपथ की मुद्रा बना लें और मेरे साथ दोहराएं। मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सड़क सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहूंगा एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग करूंगा। जय हिंद। आकर अपना सहयोग प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हिरेन जोशी जी को। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। महाविद्यालय आपके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कैलाश चंद्र धोतला जी को। आप कंप्यूटर साइंस में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। महाविद्यालय आपके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गणेश कुमार कोहली जी को। आप कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हैं। महाविद्यालय आपके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दिनेश कुमार राठी जी को। आप टेक्सटाइल केमिस्ट्री विभाग में तकनीकियन पद पर कार्यरत हैं। महाविद्यालय आपके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अरुणा उपाध्याय जी को। आप यंत्र सुधारक पद पर कार्यरत हैं। आपके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री छोटूलाल जी सेन को। आप प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर डीएन व्यास सर को आमंत्रित करती हूँ। मैं सर्वज्ञ जैन के पिताजी
मिस्टर सुरवीर सिंह डांगी और माता जी मिसेस अनुजा डांगी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। प्यारे छात्रों एवं मेरे साथियों, मैं आप सभी को आज 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों से की गुलामी से छुटकारा पाने के बाद हमारे पास कई चुनौतियां थीं और उनमें सबसे एक बड़ी चुनौती थी कि हम अपने कानून कायदे बनाएं, हम अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, हमारी सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे कानून कायदे बनाएं जिसमें देश का संचालन सुचारू रूप से हो पाए। और इसी कार्य के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसने काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 2 साल 11 महीने काम करते हुए हमारे संविधान को बनाया और उसको 26 नवंबर 1949 में हमारे जो संविधान सभा है उसने उसको एक्सेप्ट किया उसको। और आज 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू किया गया। जो हमारे विजनरीज थे, संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने काफ़ी दूर की सोचते हुए, कई सपने संजोए हुए, ये सोचा था कि इस संविधान को लागू करने के बाद, आज़ादी के बाद, हमारा देश प्रगति के पथ पर चलता जाएगा। और आज उसका परिणाम भी आ चुका है। वर्तमान में देश हर एक क्षेत्र में उन्नति के पथ पर है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, आज हर एक क्षेत्र में भारत सबसे आगे नहीं तो कम से कम आगे की जो पंक्ति में है उन लोगों के साथ है। आज हाल ही में अभी राफेल विमान को हमारी वायुसेना में शामिल किया गया, जिनके शामिल होने के बाद जो हमारे पड़ोसी थे, जो हमें आंखें दिखाते रहते थे, उनकी आंखें खुल गई है। यही नहीं, हाल ही में HAL द्वारा निर्मित तेजस विमानों के लिए भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है, जो बहुत ही स्टीक मार्क करते हैं और युद्ध में काफ़ी सहायक हैं। इससे हमारी सेना का तो मनोबल बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो विश्व में मैसेज गया है कि भारत तो अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स, डिफेंस के लिए जो है इतने आइटम्स इंपोर्ट करता था, वो आज स्वयं बनाने लगा है। और केवल स्वयं ही नहीं बनाने लगा है, कई देशों से इंक्वायरीज आई हुई हैं और जो है अब HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इन विमानों को विदेश में निर्यात भी करेगा। यही नहीं, अभी जो हाल ही में कोविड महामारी के चलते
पूरा विश्व परेशान था, उसमें सब लोग डरे हुए थे क्योंकि प्रथम बार ऐसा वो हुआ है जिसका नहीं तो कोई इलाज पता है किसी को नहीं, क्या बीमारी है, कैसे फैलती है। उसमें भी सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़ कर अनुशासनात्मक रवैया अपनाते हुए और इस महामारी में एक दूसरे का काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि काफ़ी हार्डशिप्स आई, काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई जो काल्पनिक भी नहीं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस महामारी के दौरान सभी लोगों ने आपस में सहयोग किया, जो ज़रूरतमंद थे उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको उपलब्ध करवाया और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका परिचय विश्व को दिया। यही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने बढ़ चढ़ कर इनोवेशंस किए, दवाई की जो और दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए थे उनके साथ मिलकर वैक्सीन को तैयार किया, और इसी क्रम में आज हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमने इस महामारी पर काबू पा लिया है। देश की ही बनी, देश में ही निर्मित दो वैक्सीनों को भारत सरकार ने मंजूरी देकर ये सिद्ध कर दिया है कि आज हम किसी से भी कम नहीं हैं। इनफैक्ट इस महामारी के दौरान जो विश्व की सबसे ताकतवर देश हैं अमेरिका, उन्होंने भी हमारी तरफ मुंह किया कि हमें ये दवाई दें, इसे हमें हेल्प करें। तो काफ़ी विकसित देशों को उस वक्त जब वैक्सीन नहीं आई थी, हमारे यहाँ पे उपलब्ध दवाइयों का हमने निर्यात नहीं किया, एक्चुअल में उन लोगों का सहयोग किया इस महामारी के दौरान। आज देश की प्रगति में हर एक किसी की हिस्सेदारी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मेल और फीमेल। जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट आज अभी हम दो तीन चीज़ों को देखें तो पिछले दो तीन माह में जो महिलाओं की भागीदारी हुई है वो बहुत ही अनुकरणीय एवं सराहनीय है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि अमेरिका से सारे क्रू मेंबर्स भी केवल और केवल महिलाएं थी, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आज हम किसी से भी कम नहीं हैं। जो उड़ान जिसमें आम नागरिक को बैठते हुए भी जब टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं डर लगता है, उस उड़ान को ऐसे दुर्गम कठिन परिस्थितियों से लाकर 16,000 किलोमीटर का उन्होंने जो कीर्तिमान किया है वो वास्तव में सराहनीय है। आज 26 जनवरी 1921 को हमारे प्रदेश की बेटी मार्च पास्ट को लीड कर रही है। ये वास्तव में एक देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है उसकी प्रथम बार महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि भारत से ही, वो भारतीय ओरिजिन की है, तो ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। कल ही न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि हमारे संस्थान की छात्रा राशि खोटानी प्रदेश से एकमात्र ऐसी छात्रा है जो बास्केटबॉल की भारतीय टीम के लिए, जो उन लोगों का चयन किए करने के लिए, सो सिलेक्शन के लिए जिनका कैंप लगा हुआ है, वो एकमात्र वो राजस्थान से छात्रा है। और वो हमें गर्व है कि वो हमारे MLVTI की छात्रा है जिसने इसमें भाग ले रही है। यही नहीं, कोविड महामारियों के बीच में कई लोगों को काफ़ी हार्डशिप्स हुई, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके
संस्थान के समस्त कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी निभाई है, चाहे वो कोविड काल में ड्यूटी करते हुए जो राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको अलग अलग समय पे अलग अलग कर्मचारियों को ऐसी ड्यूटीज ऐसे समय में साइन की गई जब हम सब लोग घरों में दुब के बैठे हुए थे, घर से निकलना भी वर्जित था, उस वक्त उन लोगों ने कोरोना से फाइट करने के लिए अपने योगदान दिया। संस्थान के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने नवीनतम तकनीक को अपनाते हुए छात्रों की पढ़ाई का किसी तरह का भी लॉस नहीं हो उसके लिए अपना पूरा जी जान से पूरी मेहनत करके जिन टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ नहीं थे उन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए और छात्रों के जो है समय कम से कम बर्बाद हो, चाहे सुबह हो शाम को हो, इवन छुट्टी वाले दिन भी उन लोगों ने अपना योगदान दिया ताकि छात्रों को इस समय का मैक्सिमम उपयोग हो। आप आज जो संस्थान है जो प्रगति कर रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। हम जल्द ही जो टेक्यूब के तहत है जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है इसमें कई मशीनें परचेज कर रहे हैं। हाल ही में एक सेमिनार हॉल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और ये अब छात्र जब आने शुरू हो गए हैं 18 तारीख से तो हम ये सोचते हैं कि संस्थान में फिर छात्रों की चहल पहल होगी और हम इस महामारी पे विजय पाकर सब एक साथ फिर खुशहाली से वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे और अच्छे परिणाम लेके आएंगे जो पहले नहीं थे। इसी आशय के साथ मैं आप सब से यही निवेदन करूंगा कि आज हम इस झंडे के नीचे प्रण लें कि जब तक ये महामारी पूरी तरह से नहीं जाती है तब तक राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो भी बचाव के उपाय हैं एवं वैक्सीन है वो सब लगवाएंगे और संस्थान की और देश की भागीदारी में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।